हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे कहा गया है हमें कुछ नंबर्स गिवन है जिनको कि हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी ऑलरेडी हमें कह रखा है कि सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 3 से ना ज्यादा ना कम होने चाहिए। अब इन नंबर्स में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो रहे हैं और किस तरह से हम उनको राउंड ऑफ कर सके ताकि वो 3 तक ही लिमिट हो जाए। सो लेट्स से कि अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो मुझे टोटल यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर नजर आ रहे हैं, बट मुझे इसको करना कहाँ तक है? 3 तक। इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ तक ही होना चाहिए। बट इसके बाद में आपको ये भी देखना है कि जहां तक आप सिग्निफिकेंट फिगर रख रहे हो उसके बाद में जो नेक्स्ट डिजिट है वो कौन सा है। जैसे 2 के बाद में नेक्स्ट डिजिट 1 है, तो जब भी आपका जो डिजिट है जहां तक आपको सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, अगर उसके बाद वाला डिजिट अगर आपका 5 से कम होता है, 5 के इक्वल होता है या 5 से ज्यादा होता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? अगर 5 से कम होता है ना, तो जो भी डिजिट है, जैसे इस केस में वो डिजिट जो है वो सेम ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। अगर 5 से ज्यादा है तो जो भी डिजिट है डिजिट के अंदर ही आप क्या कर दोगे? +1 कर दोगे। ठीक है, यानी अगर वो ऐसा होता तो 2 की जगह 3 हो जाता। और अगर इक्वल टू 5 होता है ना, तो इसमें आपको क्या करना होता है? दो चीजें करनी होती है। अगर जो नेक्स्ट जो डिजिट है वो मेरा जिसके भी मैं बात कर रही हूँ, अगर जो डिजिट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो डिजिट है वो कैसा है? अगर ऑड डिजिट है या फिर इवन डिजिट है, तो अगर इवन है तो आप उसको सेम ही बने रहने दोगे, और अगर ऑड है तो उसमें आप +1 कर दोगे और उसको क्या बना दोगे? इवन बना दोगे। आई होप आपको ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो मेरा 2 है, 2 एक इवन नंबर है और उसके बाद में 1 प्रेजेंट है, यानी कि 5 से लेस है, तो 34.2 ही मेरा आंसर हो जाएगा। इस केस में देखो, 3 डिजिट तक बनाने के लिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बनाने के लिए मुझे 10.4 तक रखना पड़ेगा। 4 के आगे 1 है जो कि लेस देन 5 है, तो इसलिए 4 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, दिस विल बी 10.4। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, देखो ये तो आपका नॉन सिग्निफिकेंट है, तो बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक होगा? 4, 5, 9 तक होगा। बट 9 के बाद में 7 प्रेजेंट है और ये क्या है? ग्रेटर देन 5 है, तो मेरा जो 9 है वो क्या बन जाएगा? उसमें +1 कर देंगे। जैसे ही +1 करेंगे तो ये क्या बन गया? 4, 6, 0 बन गया। तो देखो ये 0.0460, इसको आप इसलिए लिखोगे क्योंकि ये ऑलरेडी नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसके होने ना होने से सिग्निफिकेंट नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको आप एज इट इज 0.0 को भी साथ में लिखोगे। 2808 जो है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 हैं, बट मुझे बनाने कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या देखो, 3 करने के लिए मुझे कहाँ तक देखना चाहिए? 280 तक देखना चाहिए, बट उसके आगे 8 प्रेजेंट है, यानी कि इसके अंदर 0 के अंदर 1 हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 2810। ठीक है, 2810। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस 8 को ओमिट नहीं करोगे, क्योंकि आप खुद सोचो कहाँ 2808, और अगर आपने इस 1 को ओमिट 8 को ओमिट कर दिया तो ये 281 बन जाएगा, तो दोनों में रात दिन का डिफरेंस है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। 2808 इज अप्रोक्सीमेटली राउंड, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 2810 बनेगा। सो बी अवेयर ऑफ दिस, जब डेसिमल नहीं होते हैं तो आपको साथ में जो 0 है उसको भी साथ लिखना इंपॉर्टेंट है। सो यस, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 के साथ में। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।